व्हाट इज अ पब्लिक, वेलकम बैक टू द स्ट्रीट गाइस चैनल। दोस्तों अपने इस चैनल में हम कई सारे एक्टर्स की केस स्टडी बनाते रहते हैं, उनके बालों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कहीं उन्होंने हेयर पैच तो नहीं लगाया, हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं करवाया, या फिर कोई हेयर सिस्टम तो नहीं फिक्स की हुई है। उनके वीडियोज बनाने के पीछे मोटिव यही रहता है कि हम कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं, उनकी हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं, और जो भी उनकी हेयर स्टाइल है उससे अगर कुछ प्रॉब्लम होता होगा या फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो पहले कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिखते हैं। तो एज अ केस स्टडी के बेस पर जो कि हम एज अ एग्जांपल के बेस पर जो कि है उनकी केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत लोगों के मन में सवाल था इस पर्टिकुलर एक्टर के बारे में। बहुत सारे लोग सोच रहे थे क्योंकि इनकी ऐसी कुछ पर्टिकुलर फोटो सामने आई ही हुई नहीं है कि ये गंजे थे, ठीक है, क्योंकि ना कोई वीडियो बनी हुई है ना कोई आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये गंजे थे। बाकी कोरा वगैरह साइट्स पे तो कई सारा आपको रूमर्स इनके बारे में पढ़ने मिलेगा, बट जो कि दोस्तों आज के वीडियो में जो भी फोटोज आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बेस पे हम वीडियो के अंत में कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो हीरो है वो कई सारे मतलब इनके फैंस, अनगिनत फैंस है, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी इनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। कई सारी इनकी मुरारी फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और कई सारी ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्होंने बनाई है, कई सारे अवार्ड्स इन्होंने अपनी करियर में जो कि दोस्तों हासिल किए हुए हैं। इनको दोस्तों टॉलीवुड का प्रिंस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महेश बाबू जी की, ठीक है। महेश बाबू की बात करो दोस्तों, जिनका जन्म 9 अगस्त 1975 में चेन्नई में हुआ था, तो अभी की आज की उम्र है दोस्तों 45। तो अभी के आप जब रिसेंट उनके फोटोज देखोगे तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये उनके अभी के हेयर है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि आपको एक 25 साल का कोई इंसान, 25 साल का कोई लड़का है, इतने यंग मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी उनके बाल इतने हाईली डेंस लगते हैं। तो वो क्यों लगते हैं वो वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ किसी भी केस स्टडी की, वो बचपन के फोटोज की, क्योंकि बचपन से इंसान बड़ा होता है और बालों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं तो वो हमें देखने मिलते हैं। सो अगर दोस्तों हम उनके बचपन के फोटोज के बारे में बात करेंगे तो उनकी हेयर की टेक्सचर देखोगे दोस्तों, आप एक कर्ली, एक जो नॉर्मल इंडियन हेयर रहता है वो हेयर है, ठीक है। सिल्की हेयर नहीं है, कर्ली हेयर है, वेवी जो कि उनका हेयर का टाइप है। और डेंसिटी की अगर बात करोगे दोस्तों, अच्छी खासी डेंसिटी, क्योंकि बचपन में हर एक की डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और इनकी भी जो कि हेयर की डेंसिटी बहुत अच्छी थी दोस्तों। कुछ सालों पहले इनकी एक रूमर और फैली हुई थी कि महेश बाबू जो कि है पूरे गंजे है, ठीक है, पूरे गंजे है, क्योंकि उनके जो भाई है सुधीर बाबू, उनके शादी की उनकी कुछ फोटोज है, किसी भाई ने इतनी एडिट कर दी, इतनी ज्यादा कि सीधा भाई को जो कोई टोटल गंजा, 7th ग्रेड का गंजा दिखा दिया है, 5th ग्रेड का जो कि गंजा दिखा दिया है। ये फोटोज, लुक एट दिस फोटोज दोस्तों, ये फोटोज मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल है। बाकी आपका जो भी व्यू हो आप कमेंट में रख सकते हो। तो ये फोटोज देख के मैं तो चौंक गया कि बाप रे, इस प्रकार के जो कि बॉल्डनेस है। और महेश बाबू का कुछ भी न्यूज में नहीं आया, कहीं पे नहीं पढ़ने मिला, या कहीं बड़ी ब्रांडेड आर्टिकल में जो कि हमको पढ़ने नहीं मिला। तो ये बाकी सारी जो फालतू वेबसाइट रहती है उन पे जो कि ये फोटो मुझे देखने मिली, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये, क्योंकि ओरिजिनल फोटो है। और रेस्ट ऑफ अगर महेश बाबू की शादी की फोटोज देखोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि और एक न्यूज फैली हुई थी कि यहाँ पे जो कि है एक येलो पैच जो कि है दोस्तों कई फोटोज में देखने मिला है। तो ये येलो पैच की जो फोटोज है वो भी वायरल हो गए कि बोले महेश बाबू को यहाँ पे सेंटर ऑफ स्कैल्प में जो कि बॉल्डनेस है। फिर जब सुधीर बाबू, उनके 2-4 मैंने साउथ इंडियन शादीज की फोटोज देखी तो जहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कुछ डालते हैं, शायद से हल्दी डालते हैं, तो यहाँ पे जो ऐसा है पैच जैसा बन जाता है, तो लोगों को लगने लगा कि महेश बाबू उनका सेंटर ऑफ स्कैल्प जो कि पूरी तरह गंजा है। तो नहीं दोस्तों, ये सारी र्यूमर्स है, ये सारे जो कि फेक न्यूज है। अगर हम दोस्तों उनकी फादर, उनकी जेनेटिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि सारी कुछ जो बॉल्डनेस हिस्ट्री आती है वो जेनेटिक्स से ही दोस्तों हमारे पास आती है, हमारे माँ बाप से हमारे पास आती है। तो उनके फादर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6-7 ग्रेड की उनकी बॉल्डनेस है, ठीक है। तो जेनेटिकली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि महेश बाबू में हो सकता है, क्योंकि अभी मैं उनके कुछ फिल्मों के नाम लूंगा और उन फिल्मों में उनके जो किरदार थे, उनकी जो फोटोज है उनके, आपको फोटोज दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि उनके साइड कॉर्नर्स या फिर ये जो रहता है दोस्तों साइड लॉक्स, वो एकदम पीछे थे, ठीक है, पीछे थे। उनके पीछे के बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और उनके टॉप ऑफ द स्कैल्प जो है वो थोड़ा सा हल्का था, और हेयर लाइन में जो कि इररेगुलरिटी थी, ठीक है।
तो मैं कुछ फिल्मों के नाम लूंगा दोस्तों। तो आप सबसे पहली मूवी में बताऊंगा कि जो राजकुमार रोडू मूवी थी इनकी 1999 में प्रीति जिंटा के साथ, उसमें आपको देखने मिलेगा दोस्तों हेयरलाइन हल्की सी रिसीड हुई है और हेयर डेंसिटी जो हेयरलाइन के ऊपर है वो इतनी बेस्ट नहीं है, ठीक है, हल्की सी है। हेयर टेक्सचर भी देख सकते हो आप, थोड़ा सा हल्का है। और साइड कॉर्नर्स जो आपको देखने मिलेंगे वो आगे की मूवीज बताऊंगा दोस्तों, जैसे मुरारी मूवी है 2001 में जो कि इनकी शूट हुई थी, वहां पे भी आपको सेम डिफरेंस देखने मिल सकता है। हेयरलाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी इरेगुलरिटी आपको जो कि हेयरलाइन में देखने मिल सकती है, ठीक है। और जो उकाडू मूवी थी इनकी 2003 में दोस्तों, उकाडू मूवी थी, वहां पे भी आपको देखने मिल सकता है कि हेयरलाइन उतनी ग्रेट नहीं है। जो अभी आपको 45 एज की जो हेयरलाइन है वो देख के बता रहा हूँ, ठीक है, कंपैरेटिवली। फिर वामसी मूवी में भी वैसा ही है दोस्तों, हेयरलाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जो निजाम मूवी है इसमें भी दोस्तों आपको सेम देखने मिल सकता है कि हेयरलाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है जो अभी मैं 45 एज में देख रहा हूँ, ठीक है। कई सारे जगह पे इनके रूमर्स ये फैले थे कि इन्होंने Q6 पैच लगा हुआ है, जो बहुत महंगा पैच रहता है, जो कपिल शर्मा ने लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, सलमान खान ने लगाया, वो भी पैच इन्होंने लगाया हुआ है। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट इन्होंने किया हुआ है, कई सारे रूमर्स जो कि दोस्तों आपको पढ़ने मिल सकते हैं महेश बाबू के बारे में, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है ये वीडियो के जरिए कि अगर इनकी 2000 साल में अगर हेयरलाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी तो अभी ये 45 इयर्स के हैं और अभी की इनकी हेयरलाइन इतनी स्ट्रांग है दोस्तों, कुछ तो है जो इन्होंने अपने बालों के साथ किया हुआ है दोस्तों, कुछ तो इन्होंने फिक्सिंग किया हुआ है अपने हेयर के साथ जिसके कारण इनके बाल अभी भी इतने स्ट्रांग है, इतने हेल्दी है और इतने ज्यादा डेंस है। कई सारी मूवीज में तो आपको इनकी स्कैल्प भी देखने नहीं मिल सकती, कई सारे मूवीज में इनकी बालों की लेंथ आपको इतनी ही जो पर्टिकुलर लेंथ रहती है पैच की, हेयर पैच की, उतनी ही आपको कई सारे मूवीज में मिल सकती है। कई सारे मूवीज के आपको फोटोज दिखाऊंगा जहां पे इन्होंने बड़े बड़े बाल जो कि है किए हुए हैं। ये सारे यू नो फोटोज देख के, ये सारी मूवीज के फोटोज देख के, अभी चलते इंस्टाग्राम के फोटोज देख के, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इट इज हेयर पैच, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी का जो हेयर पैच रहता है, हिमेश रेशमिया वगैरह बड़े बड़े एक्टर्स ने जो लगाया हुआ है वो हेयर पैच लगता है। बाकी इट्स ऑन यू दोस्तों, अगर आपको कोई जेन्यून इन्फॉर्मेशन कहीं से आर्टिकल से रीड करने मिलती है तो पुट दैट ऑन कमेंट्स, जो भी है कमेंट्स में आप लिखिए, जो भी है लोगों तक जेन्यून इन्फॉर्मेशन फैलाइए। लेकिन कई सारे फोटोज में महेश बाबू को पूरा गंजा दिखाया गया है, वो झूठ है, इतने गंजापन जो कि महेश बाबू को कभी नहीं था दोस्तों, जी हाँ। और कई सारी इनकी जो आने वाली मूवीज है उसके लिए मैं ढेर सारे विशेष देता हूँ दोस्तों, कई सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ महेश बाबू जी को, बहुत सारा सक्सेस मिले आने वाले मूवीज में और ऐसे ही जो कि है दोस्तों अपने इंडिया का नाम रोशन करते रहे और उनके फैंस में जो कि है, उनके फैंस के दिलों में जो कि दोस्तों जगह बनाते रहिए। अगर आपको दोस्तों किसी और की केस स्टडी भी बनानी है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपके लिए आपका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे।